दोस्तों लोकसभा चुनाव में रामनवमी से ठीक एक दिन पहले देश का अपना चैनल मोदी जी का अपना चैनल बन गया है। चुनाव में ना महंगाई पर बात होगी ना बेरोजगारी पर बात होगी, अगर बात होगी तो केवल राजनीति और रंग पर। रंग बदल की राजनीति में अब सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन को भी मोदी रंग में रंग दिया गया है। जी हाँ, अब प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती हो गया है दूरदर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन का लोगो बदल दिया गया है। इसके लोगो का कलर रूबी लाल से बदलकर केसरिया भगवा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2003 को डीडी न्यूज को मेट्रो चैनल के स्थान पर शुरू किया गया था। इस बीच अब चैनल विपक्ष के निशाने पर है और इस पर भगवाकरण के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष और मीडिया एक्सपर्ट्स ने चैनल के भगवाकरण को लेकर आलोचना की है, क्योंकि यह रंग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ट्विटर पर एक यूजर ने कहा, दूरदर्शन का भगवाकरण, नेशनल ब्रॉडकास्टर डीडी न्यूज ने रामनवमी पर अपने नए लोगों का अनावरण किया, इसे अब से डीडी के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं टीएमसी सांसद जोहार सरकार, जिन्होंने 2012 से 2016 तक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था, उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगों को भगवा रंग में रंग दिया है। इसके पूर्व सीईओ के रूप में मैं इसका भगवाकरण को चिंता के साथ देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं यह प्रसार भारती नहीं, यह प्रचार भारती है। वहीं एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा है, सनसनी के दौर में डीडी न्यूज विश्वसनीय और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग का प्रतीक बना हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। एक यूजर ने आलोचना करते हुए लिखा है, यह प्लैनेट नीला है इसलिए इसमें नीला रंग था, यह भगवा किस चीज के लिए है। मंगलवार शाम को डीडी न्यूज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपने नए लोगों का एक वीडियो एक मैसेज के साथ पोस्ट किया। मैसेज में लिखा था, हालांकि हमारे मूल्य समान है लेकिन हम अब एक नए अवतार में उपलब्ध है, एक ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो पहले कभी नहीं देखी गई, बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव करें। हमारे पास यह कहने का साहस है, गति से अधिक सटीकता, दावों से अधिक तथ्य, सनसनीखेज से अधिक सच्चाई, क्योंकि अगर यह डीडी न्यूज पर है तो यह सच है, डीडी न्यूज भरोसा सच का। आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नए लोगों में आकर्षक नारंगी रंग है। उन्होंने कहा, कुछ महीने पहले G20 से पहले हमने डीडी इंडिया का पुनरुद्धार किया था और चैनल के ग्राफिक्स के एक सेट पर फैसला किया गया था कि डीडी न्यूज तकनीकी रूप से भी काम कर रहा है। दोस्तों यह स्पष्ट रूप से भगवाकरण है जो और भी संस्थानों में हो रहा है। अगर आप नए संसद भवन में राज्यसभा में प्रवेश करते हैं तो रंग लाल से केसरिया में बदल दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के आधे कर्मचारी भगवा बंदगला पहनते हैं जो पहले स्टील ग्रे नीला होता था। इसे G20 के लोगों में भी देखा गया था, जो भगवा पृष्ठभूमि पर कमल था। यह एक ऐसे दृष्टिकोण को बनाना है जहां पार्टी और सरकार की पहचान एक हो जाती है। यह तानाशाही शासन का हिस्सा है जहां आप पार्टी को सरकार से अलग नहीं कर सकते। दोस्तों उल्लेखनीय है कि इससे पहले डीडी ने पिछले दिनों फिल्म दी केरल स्टोरी भी प्रसारित किया था, जिस पर केरल में राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दूरदर्शन के फैसले की निंदा करते हुए सार्वजनिक प्रसारक को फिल्म की स्क्रीनिंग से हटाने के लिए कहा था और साथ में कहा था कि इससे लोकसभा चुनाव से पहले केवल सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। विपक्षी यूडीएफ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डीडी पर फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ केरल में कथित तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का भी आरोप लगाया है। इकोनॉमिस्ट टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार डीडी न्यूज की माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
इंटरव्यू को प्रसारित करने की भी योजना थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रसार भारती के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया और बताया कि इससे चुनाव के दौरान समान अवसर बाधित हो सकता है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।